सत श्री अकाल, चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा लिए तैनात होंगे 14,000 जवान, 28 जोनों च वंडेगी दिल्ली करतब पथ, लगभग 70,000 लोगों के आने की उम्मीद। तीन महीनों तो भगौड़े आईजी मालविंदर सिद्धू का साथी गिरफ्तार, ब्यूरो ने भ्रिष्टाचार के अपराधिक मुकदमे च सी लोड़ींदा विभागी कर्मचारियों को करता सी ब्लैकमेल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाइट च बंब होने की आई कॉल, दरभंगा तो आ रहा सी जहाज, जांच करन ते कॉल निकली फर्जी। हुण खबरां विस्थार दे नाल। राष्ट्रीय राजधानी विच करतब पथ ते उसके नेड़े तेड़े दे इलाकों विच लगभग 14,000 सुरक्षा मुलाजमान नूं तैनात किया जाएगा, जिथों 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होएगी। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दिंदिया दस्सिया है कि इस साल परेड देखने लिए करतब पथ ते लगभग 77,000 लोगों की आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली के आले दुआले सुरक्षा के सख्त प्रबंध ने। पुलिस ने यकीनी बनाया कि अयोध्या के राम मंदिर च होए प्राण प्रतिष्ठा समारोह तो बाद दिल्ली के संवेदनशील खेतर में शांति बनी रहे। नवी दिल्ली 28 जोनों में वंडे गए, इन जोनों की अगवाई सीनियर अधिकारी करेंगे। पंजाब बिजनेस ब्यूरो ने अपनी गिरफ्तारी तो बचते आ रहे मुलजम बलबीर सिंह वासी पिंड आलमपुर जिला पटियाला गिरफ्तार किया, जो कि मुलजम मालविंदर सिंह सिद्धू AIG मनुखी अधिकार पंजाब का करिंदा सी। वह विजिलेंस ब्यूरो वालों दर्ज भ्रिष्टाचार के अपराधिक मुकदमे में लोड़ींदा सी, क्योंकि वह उक्त पुलिस अधिकारी के इशारे से वख-वख विभागों में कर्मचारियों विरुद्ध शिकायतें दर्ज करवाउंदा सी ते उन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे की मांग करता सी। इस संबंधी जानकारी दिंदिया राज विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने दस्सिया कि ब्यूरो ने अदालत बलबीर सिंह का 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया ता जो उस वल्लों अपने कोल रखे हथियार बरामद किए जा सके ते नाल ही इस मामले में होरना व्यक्तियों की शमूलियत का पता भी लगाया जा सके। जिक्रयोग है कि उक्त केस में AIG सिद्धू पहला ही न्यायिक हिरासत में है। ऑस्ट्रेलिया सरकार की गोल्डन वीजा स्कीम फेल साबित हो गई है, जिस तो बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपनी गोल्डन वीजा स्कीम बंद करने का ऐलान किया, जिसकी दुरवरतों होने के चर्चे हो रहे सन। 5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर निवेश करते कोई भी परिवार ऑस्ट्रेलिया विच पक्के तौर पर वसन का हकदार सी, 85% अर्जियां चीन तो आ रही सन। गोल्डन वीजा योजना की कई बार समीक्षा करने मगरों ऑस्ट्रेलिया सरकार इस सिटे से पुजी कि स्कीम अपने मकसद पूरे करने विच सफल नहीं हो रही, तो हुण गोल्डन वीजा की बजाय हुनरमंद कामियां नूं वधेरे वीजे जारी किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की गृह मंत्री क्लेयर ओ'नील ने एक बयान जारी करते कहा कि मुल्क की आर्थिक जरूरतों के मद्देनज़र लियांदी योजना संभावित तौर पर भटकती नजर आई है, तो उधर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया वालों गोल्ड वीजा योजना बंद किए जाने का जोरदार स्वागत किया गया। पंजाब विच इन्नी दिनी कड़ाके की ठंड पै रही है, तापमान 3 तो 4 डिग्री तक हेठां जा रहे, अजिहे विच सब तो वध दिक्कत स्कूली बच्चों नूं पेश आ रही है। ठंडे कमरियां विच बच्चों लई बैठना मुश्किल है, इस तों इलावा धुंद विच चल के स्कूल पहुंचना भी मुसीबत तों घट नहीं है। इसलिए पंजाब सरकार तों मंग की जा रही है कि स्कूलों का समा बदलिया जाए। जानकारी मुताबिक डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब ने हड चीरमी ठंड के मौसम विच विद्यार्थियों की सेहत ते सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूलों का समा सवेरे 10 बजे तों 2:30 बजे तक करन दी मांग कीती है। जारी बयान दे विच जथेबंदी दे सूबा प्रधान विक्रम देव सिंह ने कहा है कि इस साल पंजाब सने उत्तरी भारत विच कड़ाके दी ठंड पै रही है, इस कारण कई दिनों तो सूरज ना निकलन कारण धुंद कोहरा ते शीतलहर दा कहर सिखरां ते ते इसे स्कूलों के समय विच तब्दीली की जाए, दे नाल ही मापे भी सरकार तो समा तब्दील करन दी मांग कर रहे।
गंगा च डुबकी लगाउण नाल कैंसर ठीक होण दी उम्मीद च 7 साला बच्चे दे माता पिता ने उस नूं वार वार गंगा च डुबकी लवाई जिस कारण बच्चे दी मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि बच्चे दे माता पिता हर की पौड़ी दे किनारे मंत्र जाप करदे ने जदों कि बच्चे दी चाची ने उस दीआं उच्चीआं चीकां नूं नज़रअंदाज करदे उस नूं वार वार गंगा विच डुबकी दी जिस कारण दम घुटण कारण उस दी मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि नेड़े खड़े लोगों ने औरत नूं रोकण दी कोशिश की पर उसने उन्हां दी गल मन्नण तों इनकार किया। हर की पौड़ी थाने के इंचार्ज भावना कैंथोला ने दस्सिया कि चश्मदीदा ने घटना की सूचना पुलिस नूं दे दित्ती है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक जहाज च बंब होने की सूचना मिली है। फोन करने वाले ने दसिया है कि उस स्पाइस जैट की फ्लाइट से दरभंगा तो दिल्ली आ रहा है। पुलिस ने दसिया कि जो इसकी जांच की गई तो कॉल फर्जी निकली। हालांकि पुलिस कॉलर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। नाल ही सुरक्षा न संबंधित सारे प्रोटोकॉल की पालना भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अज AIGI एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में दरभंगा तो दिल्ली आ रहे एक जहाज में बंब की धमकी भरे फोन आए जो कि IGI से उतरन वाला से। जांच दौरान ने कॉल जाली पाएगी। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना की गई। वाल्मीकि भाईचारे वालों अमृतसर का एयरपोर्ट रोड जाम करके पुलिस प्रशासन विरुद्ध नारेबाजी की गई। वाल्मीकि भाईचारे वालों पिछले दिन एक मीटिंग करके पुलिस प्रशासन को ताड़ना दी गई थी कि उन्होंने कुछ मसले ने जिन्हों का पुलिस प्रशासन ने अपील की गई थी कि जल्द तो जल्द इन मसलों का निपटारा किया जाए तो जेकर मंगा का हल नहीं किया जाता तो उन्होंने वालों तिखा संघर्ष किया जाएगा। तो इसे चलते ही अमृतसर एयरपोर्ट रोड के भाईचारे वालों करीब 2 घंटे जाम लगाया गया जिस दौरान पुलिस प्रशासन विरुद्ध जम के नारेबाजी की गई तो मांग की गई कि जल्द तो जल्द उन्होंने मसले हल किए जाए। गणतंत्र दिवस नूं लैके अमृतसर च पुलिस वालों सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। पुलिस वालों हर थां ते विशेष नाकाबंदी की गई है जिथे हर हरकत ते नज़र रखी जा रही है जिसके चलते पुलिस वालों शहर भर में फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ACP सुरेंद्र कुमार हलका सेंट ने दस्सिया कि जिहड़े भी शरारती अंसरां दे उत्ते नज़र रखने लिए फ्लैग मार्च कढ़िया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को अपील की है कि कोई भी शक्की व्यक्ति जेकर उन्हां नूं नज़र आउंदा है तो उसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती जाए। उन्होंने कहा कि लोग शहर में शांति भाईचारा बना के रखन। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि CCTV कैमरों के राही पूरी तरह शहर च निगाह रखी जा रही है तो शहर में भारी गिनती में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मामला अमृतसर के थाना सुल्तान बिंड के अधीन आते इलाका तरन तारण रोड का जिथे आप आगू दीपक राजू वालों श्री राम जी का पोस्टर फाड़न से भड़के हिंदू संप्रदाय के लोगों वालों रोड जाम करके प्रदर्शन किया गया जिसके चलते मौके पर पहुंचे ACP साउथ खुशबीर कौर वालों कार्रवाई का भरोसा देकर धरना चुकया गया। इस मौके गल करते BJP मंडल प्रधान राजकुमार महाजन से हिंदू समाज के आगुआ ने दसिया कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मौके लगाए गए श्री राम जी के पोस्टर फाड़न की वीडियो जिस में आप आगू दीपक कुमार राजू साफ तौर पर दिखाई दे रहा जिसने मौके पर पोस्टर फाड़ के बेअदबी की घटना को अंजाम दिता जो कि सरासर हिंदू समाज की भावनावां नूं ठेस पहुँचाने की कौमी हरकत है जिस उपर 295A का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मौके रणजीत सिंह पुलिस अधिकारी ने कहा कि अजि हरकत करने वाले की वीडियो की पड़ताल कर बनती कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी। बुढलाडा के पिंड कानगढ़ के किसानों वालों बन रही नहर अंदर अपनी जगह आने के जथेबंदियों के सहयोग नाल नहर के काम नूं रोक के धरना लाया गया जिथों के नज़दीक पैंदे पिंड कांगड़ विखे चल रहे नहर के काम नूं जथेबंदियों के सहयोग नाल किसानों वालों धरना लगा के काम नूं रोकया गया। जानकारी मुताबिक किसान गुरसेवक सिंह ने दस्सिया है कि उन्होंने समेत पिंड के 8-9 किसानों की 25 फुट के करीब जगह नहर अंदर आँदी सी ते उन्होंने माल विभाग की निशानदेही कराने पता लगे कि उन्होंने वालों सरकार तो मांग की गई जां तां उन्हां दी बनदी जगह वापस की जाए जां फिर उन्होंने उस जगह का
ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ SDO ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ DPI ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ SI ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।